आज आम पढ़ु कि राजनीति विज्ञान द्वितीय पाठ सांविधानिक व्यवस्था संविधान क्यों व्यवस्था सब उपलब्ध रही जपरिकी संविधान विभिन्न प्रकार धारा रही विभिन्न प्रकार अमेंडमेंट एक्ट रही क्यों धारा अनुजाई राज्य गठन क्यों राज्य क्यों धारा अनुजाई सब सब मानने किसी जो मौलिक कर्तव्य रहा मौलिक अधिकार रहा विभाग रही सब संपर्क में टोटल संविधान पूरापूरी व्यवस्था उपर आज आम आलोचना करूँ कौन सब संविधान व्यवस्था रोचे भारत गोटे कौन ना गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत में प्रतिष्ठा करा जाए कौन कौ शासन व्यवस्था चलती भारत में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जानवा आगर आमको जानवर अच्छी गणतंत्र अर्थ कौन गणतंत्र अर्थ है गणर अर्थ मनीष तंत्र अर्थ है शासन निजे निजर शासन करने को गणतांत्रिक शासन कहा जाए डेमोक्रेसी कह जाए 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख में भारत स्वाधीनता लाभ कला एवं देश में एक गणतांत्रिक शासन व्यवस्थार मूलदुआ पड़ा कौन है ना कौन है ना 1947 मसीह भारत कौन है 1947 मसीह स्वाधीनता लाभ कला एवं यही स्वाधीनता लाभ परे परे ही गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन है ना भित्तिभूमि प्रतिष्ठा करागला बा मूलदुआ प्रतिष्ठा हेला 1950 मसीहा जानुरी 26 तारीख दिन ठार प्रचलित नूतन संविधान मध्यम भारत को एक सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र भाव घोषणा करागला कौन करागला ना 1950 मसीहा जानुरी 26 जिते बड़े पूरापूरी देशीय राज्य जितकि थिले भारत वर्ष सहित मिसीगले तापर कौन है ना 1950 जानुरी 26 तारीख दिन भारत को एक सार्वभौम भारत को कौ राष्ट्र भाव आख्या दिगला सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र रूप से कौन कौन दिगला सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र यनोटी कौन ना भारत को 1947 पर गणतांत्रिक शासन आरंभ हो गला गणतांत्रिक शासन मूलदुआ पड़गला किंतु 1950 जानुरी 26 तारीख में भारत को एक सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र भाव में मान्यता प्रदान करागला समस्ते एठी समान सार्वभौम अर्थ है समस्ते समान धनी गरीब धनी गरीब उच्च नीच एटी कौनसी पार्थक्य नहीं सार्वभौम समस्ते समान गणतांत्रिक अर्थ है निजे निजर शासनकर्ता किए का उपरे जोर देखे पारिबो नहीं साधारणतंत्र अर्थ है लोक मानंक द्वारा शासन यही तीनोटी सार्वभौम गणतांत्रिक और साधारणतंत्र राष्ट्र रूपे आख्या दिगला भारत को गणतांत्रिक साधारणतंत्र भाव घोषणा करागला एवं विश्वर प्रायत 130 देशर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रही मोट विश्व 196 कंट्री अच्छी यही 196 कंट्री मध्य 130 कौन अच्छी ना गणतांत्रिक शासन व्यवस्था चलुची ए मैंने 130 देश डेमोक्रेसी को फॉलो करोटी देश मध्यरु एही व्यवस्था रे देशर प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव देश शासन में अंशग्रहण करते प्रत्येक लोकर निजर माने कौन यही गणतांत्रिक शासन माने जो हैला यही शासन अनुजाई प्रत्येक लोक निजे निजर शासन करुची से प्रत्यक्ष भाव चाहिए परोक्ष भाव
गणतंत्र नागरिक माने स्वाधीन भाव में निजर मतामत रखी था स्वाधीन भाव कौन से प्रकार जोर जबरदस्ती न थाएर कौन से प्रकार प्रेसर चाप न थाए से मैंने जहाँ भी कहवाक चाहते स्वाधीन भाव से चली पारे खाईपर कड़े बुलवाक जापरिवे से व्यक्तिगत कथा एथे रोकटोक करें एथिरे शासन क्षमता कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति बा गोष्ठी हाथ में न्यस्त हो नए धरा जाओ मन कर जो मुझे देशर गोटे नागरिक मो देश कौन ना मो देश भारत भारत में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रही कौन ना मु कौन खाइबि कौन पिंधि कौटी रही कौटिक जीवि कौटिक नजी मु कौन करी एसबूर मोर व्यक्तिगत उपरे किए भी अधिकार नहीं पार ना ए सबूर ए सबु कथार डिसीजन केवल मुही नेबी एवं मते मध्य के चाप प्रयोग करी बाध्य करी ए सबु को करे परिबे नहीं या थिला गणतांत्रिक शासन मोर शासन क्षमता केवल मो हाथ रे अछि मने कर जो मु गोटे ऑफिस रे काम करूची सेई ऑफिस रे जहाँ भी काम ऑफिस को ठीक समय न पहुँचिले ऑफिस काम ठीक न कले सेटा ऑफिस रे सार कहि परिबे तांको ऊपर से कथा तांको ऊपर से अधिकार अछि सेटा कह जाउची निजे बा कोनसी गोष्ठी रे शासन गोष्ठी हाथ रे आमर शासन क्षमता रहिबो किंतु आउ आमको चाप प्रयोग करा जाय परिबो नाही गणतंत्र रे जनसाधारण होती सार्वभौम क्षमतार अधिकारी जो मु कहली गणतंत्र जो लोक मानकर शासन चलला एठी समस्त समान प्रकार मर्यादा बा मूल्य रहिला धनी मानकर जेतिक अधिकार रहिला गरीब लोक मानकर मध्य सेतिक अधिकार रहिला गोटे चासी रे जेतिक अधिकार रहिला गोटे व्यवसायी रे मध्य सेतिक अधिकार रहिला गोटे चासी जेमिति चासी पाखरे मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य रहिला सेम कर्तव्य मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य राष्ट्रपति पाखरे अछि गोटे व्यवसायी पाखरे अछि गोटे पूंजीपति पाखरे अछि गोटे सरकारी चाकरिया पाखरे अछि तेणु सेतिपई भारत को कोन का गराना सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र समस्ते समान अधुना गणतंत्र एक सर्वोत्कृष्ट शासन भाव परिगणित होउची अमेरिकार जो पूर्वतन राष्ट्रपति थिले अब्राहम लिंकन से कहिथिले गणतंत्र होउची लोकमानक द्वारा एवं लोकमानक पाई फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन कौन कही अब्राहम लिंकन जी थे अमेरिकार राष्ट्रपति से गोटे बड़ कथा कही कौन कही गणतंत्र को नहीं कि गणतंत्र हेउची लोकमानंकर लोकमानंक द्वारा आउ गोटे हेला लोकमानंक पाई लोकमानंकर लोकमानंक द्वारा एवं लोकमानंक पाई एक कथा किए कही अमेरिकार राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन राजनीति विज्ञानी सिलिंग को मतरे गोटे जने पॉलिटिकल साइंस रो थिले विशिष्ट व्यक्ति सिली तांक मतरे जो सरकार रो प्रत्येक व्यक्ति अंशग्रहण करिथांती ताहाकु गणतंत्र कहा जाए सिली कौन कहले ना जने राजनीति विज्ञान रो विशिष्ट व्यक्ति थिले से कहले कि जो शासन रे प्रत्येक लोक अंशग्रहण करिथांती ताकु गणतंत्र कहा जाए प्रत्येक लोक अंशग्रहण कर मु प्रथम लिखी दौची तापर बुझेबि केमिति लोक माने अंशग्रहण करती ठीक अच्छे प्रथम अब्राहम लिंकन कौन कहले ना गणतंत्र हेउची लोक मानंकर शासन लोक मानंक द्वारा शासन एवं लोक मानंक पाई ही केवल उद्दिष्ट यापर सिली कौन कहले ना जो शासन क्षमतार प्रत्येक लोकर कौन प्रत्येक लोकर कौन अच्छी से प्रत्येक लोक स्वाधीन भाव से शासन में अंशग्रहण करपारती गणतांत्रिक शासन कह जा
गोटे उदाहरण नौची मु मन कर जो गोटे ग्राम उदाहरण को मुझे गोटे ग्राम मन कर जो गोटे ग्राम उदाहरण नेली एही ग्राम मुख्य किए रुहत सरपंच सरपंच केमी निर्वाचन हमें सरपंच केमी निर्वाचन हमें लोक मान भोट द्वारा सरपंच माने कौन ना गोटे ग्राम पर निर्वाचित तो हूँ एवं सरपंच माने मिसी की कौन गठन करती गोटे ग्राम कौन हुए ब्लॉक से कौन हूँ ना गोटे ब्लॉक रे गठन करागला यापर कौन हुए ना जिला को आसे जिले किए रहा जिला परिषद जिला परिषद माने सब मिसिकी कौन गठन करेंगे ना राज्यर मंत्री मानक गठन करेंगे यही मंत्री माने सब मिसिकी कौन करेंगे ना राष्ट्रपति गठन करेंगे तेणु ये पूरा सब आम रहा शासन क्षमता पूरा हायरारिकल स्ट्रक्चर जो मुझे बनैली ए सबुरे प्रत्येक लोक स्वाधीन भाव अंशग्रहण करो भोट हूँ से सब लोग स्वाधीन भाव अंशग्रहण करजर इच्छा अनुसार से भोट दौरान कौन से चाप ना कि यापर देव कि यापर देव से इच्छा अनुसार से सरकार गठन कर सबकि निज इच्छा अनुसार होतीपाई गणतांत्रिक शासन हूँ सबुठ श्रेष्ठ शासन क्षमता ऊपर उपरुक्त संज्ञा दुईट को विश्लेषण कले आम जापर जे गणतंत्र होक शासन एवं से मानकर समूह हित उद्दिष्ट एवं से मानकर अधिकार यही गणतंत्र रे सुरक्षित रही है जदि आम देखिबू आमर जी अधिकार अच्छी छटी मौलिक अधिकार एवं एगारटी मौलिक कर्तव्य रही सबू सुरक्षित क्या अधीन गणतांत्रिक शासन पाखे यू सुरक्षित कहीं गणतंत्र शासन हूँ आम निजर ही शासन गणतंत्र मुख्यतः दुई प्रकार गणतंत्र थाए गोटे हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र आउ गोटे हूँ परोक्ष प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र गणतंत्र केते प्रकार दुई प्रकार गोटे है प्रत्यक्ष निजे आसिकी शासन करवा गोटे है परोक्ष प्रतिनिधिमूलक गोटे लोक को आम प्रतिनिधि रूपे मानवा एवं तार कथा अनुसार आम काम करिबा दी प्रकार गणतांत्रिक शासन रहिला गोटे प्रत्यक्ष निजे निजर कथार चलिबा परोक्ष भाव मन कर जो आम किछि करियाको जाउछु गोटे प्रतिनिधि बाचिबा सी जहाँ कहबे ता अनुसार आम काम करी करी चलिबू प्राचीन ग्रीस देशर नगर राज्य रे प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था कार्यकारी होतला कौन होतला ग्रीस रो प्रत्यक्ष गणतंत्र रो कार्यकारी होतला कौ राज्य रो नगर राज्य रो कौन चलता से प्रत्यक्ष शासन क्षमता चली ग्रीस रे से जो नगर गोटे राज्य थिला ग्रीस रो गोटे अंचल तार आयतन कौन ना बहुत कम थिला बहुत छोट भी थिला आकार रे बहुत कम आयतन छोट अंचल टी थिला एवं लोक संख्या मध्य बहुत कम थिले तेणु समस्त अधिवासी कौन कले ना प्रशासनिक निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिय प्रत्यक्ष भाव से सामिल होते डायरेक्ट से निजर प्रत्यक्ष भाव सामिल होते किंतु परोक्ष शासन आम जो आम कौन जदि आम राष्ट्रपति को चाहिए आम भारत राष्ट्रपति जो निर्वाचन होम कौन जा डायरेक्ट जा कौन भोट दे पार कि ना कहीं आम पाखे से क्षमता ना आम जा राष्ट्रपति की भोट दवा आम क्या भोट दे पार आम फर्स्ट स्टेप वन सरपंच को भोट दे पार सरपंच माने गोटे ब्लॉक को ब्लॉक रो उन्नयन अधिकारी को भोट देकी आनी परिबे से ब्लॉक माने जे कि कहां को बाछिकी आनिबे जिला परिषद को बाछिकी आनिबे जिला परिषद जते बेले जिला परिषद माने कहां को बाछिबे राज्यपाल मंत्री मानकर भोट पई से माने सेठी अंश ग्रहण करिबे से माने मंत्री बा राज्यपाल एमाने कौन करिबे ना एमाने भोट देबे कहां पई एमाने राष्ट्रपति को बाछिबे तेणु एटा को कहा जाउची परोक्ष शासन क्षमता आउ किंतु ग्रीस देश रे ग्रीस रे नगर राज्य रे कौन चलता प्रत्यक्ष शासन क्षमता माने जेतेबेले से राज्य टी बहुत छोट थिला से राज्य रो हायरार्किकल सिस्टम को फॉलो करिबा एते सहज नथिला सेतिपई से माने बहुत छोट राज्य थिला एवं लोक माने मध्ये बहुत कम थिले सेतिपई से माने निजे निजर प्रत्यक्ष शासन करूथिले
किंतु वर्तमान रो बहुल जनसंख्या विशिष्ट राष्ट्र रे एहा प्राय संभव नै मु एबे कहली जेतु जनसंख्या अधिक हेले ए संभव नै काहेकि ना सब लोक तो राष्ट्रपति को वोट देकि आनी परिबे ना सेति पई समस्त को पई हायरार्किकल स्ट्रक्चर करा जाय छि जो देश रे जनसंख्या बहुत अधिक सेठी परोक्ष शासन करा जाउछि एवं एबे से प्रत्यक्ष शासन रो कोनसी प्रकार रो माने कोन सत्ता नै काहेकि ना सब देश रे जनसंख्या प्रायतः अधिक अछि आम भारत बहुत जनसंख्या अच्छी कहीं चीन सरी चाइना परे परे आमे भारत जनसंख्या द्वितीय स्थान रे अच्छु तेणु नो डाउट कि भारत जनसंख्या बहुत अधिक से भारत जनसंख्या जो लोक मैंने भारत रही से पक्ष प्रत्यक्ष शासन क्षमता टी संभव हो पारुनी से आम कौन करना परोक्ष शासन क्षमता बा प्रतिनिधिमूलक गोटे प्रतिनिधि की बाचुचु एवं से प्रतिनिधि आउ का बाचि बाचि एमती स्तर पर स्तर निर्वाचन प्रक्रिया हो चली आमर सरकार गठन हो भारत व्यतीत युक्तराष्ट्र अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ए सब प्रकार शासन रही जो भारत जमी प्रत्यक्ष परोक्ष शासन चली युक्तराष्ट्र अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स युक्तराष्ट्र अमेरिका इंग्लैंड यूके आ कौन रहा ऑस्ट्रेलिया ये शासन चली परोक्ष शासन क्षमता कौटि कौट चलती ना बहुत जो देश में जनसंख्या बहुत अधिक से परोक्ष प्रतिनिधिमूलक शासन क्षमता चली कौन कौन कौट चलती प्रथम भारत में यूनाइटेड स्टेट्स बा अमेरिका रे इंग्लैंड रे तापरे ऑस्ट्रेलिया रे एबे जानबू कि भारत संविधान रे प्रदत्त गणतांत्रिक व्यवस्था भारत संविधान रे प्रदत्त गणतांत्रिक व्यवस्था कौन कौन गणतंत्र संपर्क रे भारत संविधान रे वर्णना कर जायछि बा उल्लेख कर जायछि एबे ताको जानिबा कैबिनेट मिशन रो प्रस्ताव अनुजाई स्वाधीन भारत पाई एक नूतन संविधान प्रस्तुत करिबा उद्देश्य रे संविधान प्रणयन सभा गठन करागला केबे संविधान प्रणयन सभा गठन करागला 1946 रे का प्रस्ताव रे कैबिनेट मिशन रो प्रस्ताव रे एही बैठक रे दीर्घ दि वर्ष 11 मास 18 दिन पर माने 1949 मसीहा नवंबर 26 तारीख दिन नूतन संविधान प्रणयन कार्य शेष होला जो कैबिनेट मिशन कहले कि भारत जो नुआ करी राष्ट्र हेब भारत को नुआ देश रूपे मान्यता दिज्व से गोटे संविधान प्रस्तुत करा दरकार से संविधान अनुसार गोटे देश कार्यकारी हे जमीती कि आम कि भी कम करने पूर्व आग गोटे रफली बनाऊ गोटे कौन आज कौन करियर अच्छे ये टाइम कौन करी से टाइम कौन गोटे नोट करके रखू आजेडा टाइप तैयारी करूँ सेमती गोटे देश केमी शासन क्षमता चलो गोटे संविधान प्रस्तुत करवा जरूरी थिला से कौन ना कैबिनेट मिशन कौन कले ना गोटे सभा डाकिले जो थी कि भारत पर गोटे संविधान प्रस्तुत करा जिवो से सभा रे से सभा टी केते दिन लगी ना दुई वर्ष 11 मास आउ 18 दिन एतिक दिन परे कौन है ना गोटे संविधान प्रणयन करागला से संविधान से दिन संविधान प्रणयन सभा रे एक नूतन संविधान गृहीत होला से नूतन संविधान गृहीत होवाई 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागला फाइनाली 1949 रे से संविधान टी गृहीत होला मुख्य भूमिका क्रियान किए ग्रहण करते ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर बा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यही संविधान प्रणयन सभार मुख्य भूमिका किए थे डॉक्टर बी आर
आंबेडकर बा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर कौन करा गला ना जेहेतु स्वाधीनता परे परे भारत को गोटे नूतन राज्य रूपे स्वाधीनता परे परे कौन करा गला ना गोटे संविधान प्रस्तुत करा गला सॉरी स्वाधीनता पूर्वर ही गोटे संविधान प्रस्तुत करा जाय पई उद्यम करा गला काहे कि ना जेतु नूतन देश सृष्टि हबो ता पई गोटे संविधान दरकार बा नूतन संविधान को नूतन संविधान अनुसार ही गोटे देश चलिबो सेही संविधान गठन करिया पई कैबिनेट मिशन कौन कले ना गोटे 1946 रे गोटे सभा डकेले सेही सभा रे संविधान प्रस्तुत चलिला यार मुख्य काहा को रखा गला ना डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को लास्ट रे संविधान टी केबे गृहीत हैला 1949 नवंबर 26 माने सेही संविधान को तयारी करिया को लागी गला 2 वर्ष 11 मास एवं 18 दिन आमो देशर संविधान रे अनेक व्यवस्था रहिची जहा कि भारत रो गणतांत्रिक शासन प्रक्रिया रे सहायक होईची गणतंत्र लोक माने स्वाधीनता और समानता उपरे गुरुत्व प्रदान एवं लोक मानकर अंशग्रहण निमन्ते स्वाधीन और निरपेक्ष निर्वाचन व्यवस्था क्षमतार विकेन्द्रीकरण माने क्षमता को डाइवर्सिफाई कर दिया समस्त मध्ये समान भाव में बांटी दिया गला एही सब करा जाइछि संविधान रे कौन कौन करा गला ना ए जो संविधान रे सब कौन कौन उल्लेख करा गला ना संविधान रे कौन उल्लेख कला ना लोकमानकर केमिति स्वाधीनता बजाय रहिबो तांकर समानता उपरे गुरुत्व दियाजिबो धनी गरीब सबु समान चासी जे जति की वैल्यू रहउची गोटे व्यवसाय रे मते सेति की वैल्यू रहबा दरकार ए सबु को संविधान रे उल्लेख करा गला एवं शक्ति को विकेन्द्रीकरण करा गला बा क्षमता को विकेन्द्रीकरण करा गला सबु क्षमता को समस्त मध्य समान भाव रे सुषम बंटन करा जिला ए सबु संविधान रे उल्लेख रहितला को संविधान रे ना जो संविधान 1949 नवंबर 26 रे गृहीत होइतिला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन परे सेथिरे ई सब कथा उल्लेख थिला आमो संविधान रो आरंभ रो एक प्रस्तावना बा प्राक कथन रहिछि जे संविधान रो मुखबंध स्वरूप जन मुखबंधन स्वरूप संविधान रो कौन रहिछि मुखबंध स्वरूप संविधान रो प्रस्तावना रे स्पष्ट सूचित करा जायछि जे भारत रो जनसाधारण हेउछन्ति सार्वभौम क्षमता रो अधिकारी कौन लेखा जायछि भारत रो जो जनसाधारण रहिले से सार्वभौम क्षमता रो अधिकारी सार्वभौम रो अर्थ होछि कौन समस्ते समान सार्वभौम क्षमता रो अधिकारी जहां मु कहली कि समस्तंक पई समान नियम रहइबो एवं समस्तंकर अधिकार मध्य समान रहइबो के कार अधिकार उपरे जोर जबरदस्ती करि परिबे नाही एहा थला कोन प्रस्तावना बा प्राक कथन प्रस्तावना बा प्राक कथन कहार संविधानर कोन थिला ना जनसाधारण होउचंती सार्वभौम क्षमतार अधिकारी भारतर जनसाधारण कौन ना सार्वभौम क्षमतार अधिकारी एटा कौटी उल्लेख करा जाइछि ना संविधानर प्राक कथन बा प्रस्तावना रे उल्लेख करा जाइछि कि सब जो भारतर जति कि जनसाधारण अछन्ति समस्तंकर समान क्षमता रहिछि समान अधिकार रहिछि समस्तंकु समान भावर देखा जाउछि एटा रहिछि लेखा जाइछि कौटी संविधानर प्राक कथन रे भारत रे परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक संसदीय गणतंत्र व्यवस्था रही आम पढ़िलु कि भारत जेहेतु गोटे जनबहुल राष्ट्र से प्रत्यक्ष गणतंत्र संभव हो पारुनि से भारत रे कौन कौ शासन क्षमता को अवलंबन कर परोक्ष शासन व्यवस्था को अवलंबन कर भारत केन्द्र संसद दुईट सदन रही कहली कि कही पूर्व संसद दुई भाग विभक्त गोटे हूँ राज्यसभा अन्यटि होची लोकसभा एसबु कोठी अछि केन्द्र रे अर्थात दिल्ली रे अछि भारतर राजधानी दिल्ली ताकु केन्द्र कहा जाए केन्द्र रे अछि लोकसभा को एटा कोंती उच्च सदन एहा को कोंती निम्न सदन
एहाकु उच्च सदन बा अपर हाउस, एहाकु कौन कहती निम्न सदन बा लोअर हाउस। ए दुटी कोठी अछि केन्द्र रे अछि अर्थात दिल्ली रे अछि। भारत रो राष्ट्रपति होउछंती संसद रो एक अविच्छेद्य अंग। राष्ट्रपति कौन ना ए संसद रो गोटे अविच्छेद्य अंग किए भारत रो राष्ट्रपति। एबे किए होउछंती भारत रो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। से होउछंती कौन एबे ना भारत रो एक संसद रो से होउछंती एक अविच्छेद्य अंग। तांकु विच्छेद करा जाई परिबो नै, तांकु काटी दिया काटी कटा जाई परिबो नै। लोकसभा सदस्य माने लोकमानंक द्वारा प्रत्यक्ष भावरे निर्वाचित होवंती। लोकमानंक द्वारा प्रत्यक्ष भावरे कोठी निर्वाचित होवंती को सभार सभ्य माने लोकसभा सभ्य माने। ये जो लोकसभा सभ्य माने जो जाई बसंती लोकसभा रे सी कहा द्वारा निर्वाचित होई जाईतंती लोकमानंक द्वारा प्रत्यक्ष भावरे लोकमाने वोट देके कोन करथंती ना लोकसभा प्रार्थी को चयन करथंती। लोकसभा संख्यागरिष्ठ सदस्यों समर्थन पाई प्रधानमंत्री नेतृत्व में केन्द्र मंत्रिमंडल लोकसभा निकट में सामूहिक भाव उत्तरदायी रुंती। कौन है ना प्रथम लोकसभा जो सब सदस्य रे से लोक मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव भोट पाई जीति था। कौन है ना लोकसभा संख्यागरिष्ठ सदस्यों समर्थन पाई प्रधानमंत्री नेतृत्व अधीन गोटे कौन कराए ना प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री कौन करते गोटे केन्द्र मंत्रिमंडल गठन करती लोकसभा सदस्य मानू नहीं गोटे मंत्रिमंडल गोटे गठन करती किए ना गोटे सरकार गठन करती प्रधानमंत्री। राज्यसभा सदस्य मैंने परोक्ष भाव निर्वाचित होता राज्यसभा सदस्य को डायरेक्ट लोक मैंने भोट दे पारती ना एम परोक्ष व प्रतिनिधिमूलक भाव निर्वाचित होती। से हीपरी प्रत्येक राज्यर विधानसभा सदस्य मैंने से ही राज्यर जनसाधारण द्वारा कौन ना प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होता किंतु प्रत्येक राज्य गोटे विधानसभा रही किंतु विधानसभा जो सदस्य मैंने रही प्रत्यक्ष भाव से राज्यर लोक मान द्वारा निर्वाचित होता किंतु राज्यसभा सदस्य मैंने प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित हो पारती से परोक्ष भाव निर्वाचन संख्यागरिष्ठता हासिल कर राज्यसभा बसती। मात्र जो केतेक राज्य विधान परिषद रही विधान परिषद सदस्य मैंने लोक मान द्वारा बा लोक मान द्वारा परोक्ष भाव निर्वाचित होता कौन होना विधानसभा लोक राज्य जो रही गोटे विधानसभा आ गए रही राज्य कौन जमी केन्द्र रही लोकसभा राज्यसभा सेमती राज्य रही विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा जो सदस्य रे कौन रही राज्यपाई विधानसभा आ गए कौन रहा विधान परिषद। ए विधानसभा जो सदस्य माने से माने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन रे से मानको माने कौन से माने तांकर सरकार गठन करती किंतु विधान परिषद रो सदस्य प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होती ना से माने परोक्ष भाव निर्वाचित होती जेमिति संसद राज्यसभा लोकसभा जेपरी राज्यसभा लोकसभा सेमिति विधानसभा एवं विधान परिषद सब राज्य अच्छी किंतु किछि किछि राज्य ना विधान परिषद नाही। मुख्यमंत्री को नेतृत्वाधीन राज्य मंत्रिमंडल राज्य विधानसभा निकट रे यार समस्त कार्यकलाप पई सामूहिक उत्तरदायी रहंती सब कतर सामूहिक उत्तरदायी किए रहंती मुख्यमंत्री 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 ए सबुर मुख्यमंत्री विधानसभा लोक मानक नहीं कि कौन करती गोटे मंत्रिमंडल गठन करती एवं से माने उत्तरदायी रहती जमीती प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य मानक नहीं गोटे मंत्रिमंडल गठन करती सेमती राज्य मुख्यमंत्री विधानसभा सदस्य मानक नहीं गोटे मंत्रिमंडल गठन करती। केन्द्र स्तर में संसद और राज्य स्तर में विधानसभा गुड़िकर आईन प्रणयन क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण क्षमता रही कौन कौन रही जो क्षमता प्रदान पर क्या हाथ रही पावर गोटे संसद पाखे आ राज्य स्तर में विधानसभा पाखे कहीं सबू राज्य विधान परिषद सुविधा ना
एणु प्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यम रे केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य रे विधानसभा को निर्वाचित करै भारतर जनसाधारण आईन प्रणयन क्षमतार परोक्ष भावे अंश ग्रहण करिथांति। मु बे कहली कि जेमिति संसद रे राज्यसभा लोकसभा रहिछि सेमिति राज्य पई कोन रहिछि ना विधानसभा एवं विधान परिषद, किंतु सबु राज्य रे विधान परिषद रो सुविधा नाही एवं राज्य लोकसभा रो माने जो किछि मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल केमिति प्रधानमंत्री गठन करंती ना प्रधानमंत्री किछि जो संख्या गरिष्ठता हासिल करथिबा मंत्री लोकसभा रो सदस्य को नेकि गोटे मंत्रिमंडल गठन करंती। सेहि परे मुख्यमंत्री मध्य विधानसभा किसी संख्यागरिष्ठता हासिल कर सदस्य को नहीं गोटे मंत्रिमंडल गठन करती। यहपरी भाव में केन्द्र कौन रहा संसद एवं राज्य रहा विधानसभा एम पाखे सब प्रकार क्षमता रहा। 73 एवं 74 संविधान संशोधन आईन जरिया भारत संविधान निर्वाचन भित्तिक स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था सूचित होती स्वायत्त माने जो रहा ग्रामांचल मानकर जो रहा जो कौन म्युनिसिपालिटी ये सब कथा कौट रोच पंचायत राज म्युनिसिपालिटी कथा जहाँ को कहा स्वायत्त शासन क्षमता यहाँ कौ संविधान कौ संशोधन आईन रोच 73 और 74 आमेंडमेंट आक्ट कौन रहा स्वायत्त शासन व्यवस्था जो थे कि पंचायत एवं म्युनिसिपालिटी संपर्क में उल्लेख करा जाएगी। देशर सहरांचल पौर निगम पौरपालिका विज्ञापति अंचल परिषद गठन व्यवस्था हो 73 आउ 74 एमेंडमेंट आक्ट रे स्वायत्त शासन व्यवस्था कौन कौन रहा सहरांचल पौर निगम पौरपालिका विज्ञापति अंचल परिषद ये सब रे सेमिति ग्राम रे कौन रे जिला परिषद पंचायत समिति और ग्रामांचल कौन रे ग्राम पंचायत व्यवस्था रहीगला कौन कौन रखाला सहरांचल 73 और 74 संविधान संशोधन आईन आमेंडमेंट आक्ट सहरांचल कौन रहा ना पौरपालिका पौर निगम विज्ञापति परिषद माने कौट रहिले सहरांचल पई रहिले ग्रामांचल पई किए रहिले पंचायत समिति जिला परिषद आउ रहिले ग्राम पंचायत एमने कोट रहिले ना ग्रामांचल पई ए सब 73 और 74 अमेंडमेंट आक्ट रे वर्णना करा जायछि। स्वायत्त शासन व्यवस्था रो तृणमूल स्तर रे गणतंत्र प्रतिष्ठित होईछि एहा फल रे तृणमूल स्तर पर्यंत गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण संभव होई पारिछि जहाँ मु कहली कि भारत गोटे जनबहुल राष्ट्र हेतु से माने कौन ना निजे राष्ट्रपति को आम जाइए डायरेक्ट माने कौन भोट दे पारुनु से कौन करना शक्ति को विकेंद्रीकरण पार्ट बाय पार्ट रे शक्ति को सुषम भाव में बंटन करें गोटे स्ट्रक्चर को फॉलो करा गोटे ग्रामपाई ग्रामांचल जमी रहा ग्रामांचल उपरको रहा पंचायत समिति ताक रहा जिला जिला पर रहा राज्य राज्य पर आसला केन्द्र यहीपरी भाव में शक्ति को विकेंद्रीकरण कर शक्ति को कौन सुषम बंटन कर गोटे हायरारिकल स्ट्रक्चर मध्य ठीक भाव फॉलो हो पारे भारत रे लोकसभा राज्य विधानसभा स्वायत्त शासन संस्था गुड़िक प्रतिनिधि मानकु निर्वाचित करिया पई सार्वजनीन साबालिक मतदान प्रस्तुत करंती कौन करंती ना सार्वजनीन सार्वजनीन साबालिक साबालिक साबालक साबालक मतदान यार अर्थ कौन सार्वजनीन अर्थ है समस्ते सा बाड़कर अर्थ है जो मैंने
माने कौन 18 वर्षर ऊर्ध से मैंने सब मतदान करेंगे कापाई ना लोकसभा राज्य विधानसभा और स्वायत्त शासन गुड़िक जो सभ्य मान रे निर्वाचन किए करेंगे सार्वजनीन सावालिक मतदान हम बा प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था एमान ग्रहण करज निजर सरकार को निजे कौन निजे भोट दे निर्वाचन जयजुक्त कराई आनी पारे। यही व्यवस्था हूँ गणतंत्र मूल भित्ति कौन ना सार्वजनीन सावालक मतदान जाति धर्म वर्ण लिंग संपत्ति शिक्षा निर्विशेष प्रत्येक सावालक भारतीय नागरिक निर्वाचन में मतदान अधिकार करें मुझे यह पूर्व कही कौन जाति देखा जाए कौन धर्म लिंग वर्ण देखा जाए संविधान आखि आगे समस्ते सामान सार्व पूर्वर मध्य कहुई भारत एक गणतांत्रिक सार्वभौम गणतांत्रिक एवं साधारणतंत्र राष्ट्र 1950 रु मान्यता पाई सारी एवं कौन करा कुहा गला ना जाति धर्म वर्ण लिंग जाति धर्म वर्ण लिंग संपत्ति शिक्षा शिक्षा या उपरे मध्य कौन ना समस्त भोट दान करिवार अधिकार रही गोटे लोक हिंदू जातिर लोकपाई जी क्षमता रोच भोट दान करिवार से गोटे मुसलमान पाखे रोच गोटे शिख मान पाखे रोच जाति धर्म वर्ण जिसे कला रंगर लोक हो गोरा रंगर लोक हो से पुरुष हो कि महिला होखे किसी संपत्ति था से धनी था कि से गरीब था से शिक्षागत योग्यता पाखे था न था कि भोट दान कौन समस्त प्रकार अधिकार रही से भोट दान मध्यम कौन होना सरकार चयन करगला ना राज्य जो विधानसभा जो सभ्य रे लोकसभा जो सभ्य रे केमी चयन कराए ना लोक मान द्वारा सार्वजनीन सावालक मतदान मध्यम चयन कराए जाति धर्म वर्ण लिंग शिक्षा संपत्ति निर्विशेष समस्त समान भाव अधिकार रोची एवं समस्ते भोट देवार अधिकार पाई से निज निजर सरकार को चयन करिवार अधिकार पाखे रही एक संविधान सम्मत आईनगत अधिकार जो अधिकार रही 6टी अधिकार से गोटे अधिकार भारतर वर्तमान 18 वर्षर ऊर्ध वयस्क सावालिक नागरिक मतदान अधिकार उपभोग करुछन्ति जो सावालक मु कहली केते कहिथिली मु 18 वर्षर ऊर्ध आम संविधान 326 धारा रे सार्वजनीन सावालक मतदान प्रथा उल्लेख करा जाइछि ए भोट विषय रे कोथिरे उल्लेख करा जाइछि ना संविधान धारा 326 जी रे उल्लेख करा जाइछि कौन उल्लेख होइछि ना समस्त सावालिक कौन करिबे ना भोट दे परिबे एहा को आधार करी संसदर लोकप्रतिनिधि आईन 1950 और 1951 प्रणीत कर जो संविधान 326 रो धारा को लेकिन दुईटा आईन प्रणयन कर गोटे 1950 आ गए 1951 भारतर गणतंत्र सुफल रूपायन निर्वाचन में मतदान करवा नागरिक मान एक राजनीतिक कर्तव्यबोध समस्ते भोट दबा दरकार से जो भोट दान अधिकार को एक कर्तव्य भाव में गणना करा जाए कौन जानिलु आमे यह जानिलु कि भारतर संविधान को केमिति केमिति व्यवस्था रही लोक मान ना भारत संविधान एक सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र एवं भारत में गणतांत्रिक शासन प्रचलन हो आसुची यार भित्तिभूमि केबे स्थापन होता ना ठीक स्वाधीनता पाइबा पर ठारु अब्राहम लिंकन जी राष्ट्रपति थिले अमेरिकार से कही गणतंत्र होउची लोक मानंक द्वारा लोक मानंक पाई एवं लोक मानंकर एवं गणतंत्र अर्थ हैला समस्त लोक एथिरे समान भावरे अंश ग्रहण करिवे एहा के कहिथिले सिली नामक जने राजनीति विज्ञानर विशिष्ट व्यक्ति से कहिथिले भारत जेहेतु गोटे जनबहुल राष्ट्र थिला सेतिपई भारत रे प्रत्यक्ष शासन क्षमता ग्रहण करि होनथिला सेतिपई परोक्ष भाव एटी निर्वाचन होउथिला
एमती सब कौन थी ना सुविधा थिला भारत वर्ष भारतर गणतंत्र रे एवं भारतर शासन क्षमता को आखि आगर रखी गोटे संविधान प्रणयन करागला जार किए रही अध्यक्ष डॉक्टर बी आर आंबेडकर से संविधान रे समस्त अधिकार कर्तव्य एवं सबू क्षमता विकेन्द्रीकरण विषय उल्लेख रे सब उल्लेख कर यापर कौन है ना समस्त जो राज्य संसद कौन है ना दुई भाग विभक्त थिला गोटे राज्यसभा और लोकसभा समिति राज्य रे कौन थिला विधानसभा एवं विधान परिषद राज्य लोकसभा जो रहिले सभ्य माने एवं राज्य विधानसभा सभ्य मानंकु केमिति निर्वाचन करा जाए ना साधारण लोक माने प्रत्यक्ष भाव में भोट दे सेमानंकु निर्वाचन करांती एवं एही भोट दान विषय रे कोटि उल्लेख करा जायछि संविधान धारा 326 रे उल्लेख करा जायछि एही परिभाव रे भारतर संविधान आखि आगरे समस्ते समान जाति धर्म वर्ण लिंग शिक्षा संपत्ति निर्विशेष रे समस्ते भारतीय एवं समस्तंकर समान अधिकार रही समस्तंकर सरकार चयन करिवार अधिकार रही भोट दानार अधिकार रही सबु प्रकार माने कौन रही अधिकार रही।